दोस्तों, सब्जी के छिलका और फल के छिलका से आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का बिल्कुल इजी टिप्स बताएंगे, जो कि कितना दिन में बनता है और इसमें प्लांट के लिए कितना फायदेमंद फर्टिलाइजर है। इसमें हमने डाले केला के छिलका, पपीता के छिलकी, और उसमें कोई भी फल के छिलका डाल सकते हैं, और जैसे आपका सब्जी का छिलका भी इसमें डाल सकते हैं आप। और ये 1 महीना लगता है बनने के लिए, लेकिन इसमें करना आपको क्या है, पानी लेना, पानी के साथ साथ जो भी पपीता के छिलका, केला के छिलका या सेब के छिलका, अंगूर, दो एक अंगूर इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपको ढक के, मतलब ढक्कन से ढक के नहीं रखना है, आपको रखना है इसमें, इसमें ऊपर कोई साफ सूती कपड़ा से ढक के रखना है, और इसको रोज़ एक बार आपको हिलाना है, जैसे हमने हिलाया एक बार हिलाना है रोज़ एक बार। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। प्लांट आपका जो प्लांट है टेरिस पे, उस प्लांट में आप ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। प्लांट बहुत अच्छा होता है, प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है फर्टिलाइजर। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर हमने कैसे बनाया आपसे बताते हैं। इसमें सब्जी का भी छिलका डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ ये आपको 1 महीना रखना है पूरा, जैसे 1 महीना, और इसमें रोज़ एक बार, हो सकता है 2 बार कर दिए, नहीं तो एक बार आपको कोई डंडा से इसको हिला देना है कि मिक्स हो जाए। इसमें आप चाहे तो ओएडी कंपोस्ट के लिक्विड भी डाल सकते हैं। ओएडी कंपोस्ट कैसे बनाना वो भी आपको बताएंगे। ओएडी कंपोस्ट के लिक्विड अगर इसमें दो एक ज़्यादा, जैसे इतना बड़ा 10 लीटर का ड्राम में अब 2 मग्गा डाल दीजिए, तो वो फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छा बन जाता है। हमने ये 1 महीना में एक बार इसको डालते, अब मेरा जितना भी फ्रूट का प्लांट है या सब्जी का प्लांट है, सारे प्लांट में ये फर्टिलाइजर हमने जरूर डालते हैं। दोस्तों, ये फर्टिलाइजर से हमारा प्लांट है जल्दी फूल, जल्दी फल भी आ जाता है। इसमें छोटा सा एक लौकी के प्लांट में हमारा इतना फूल, इतना फल आया है, आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये प्लांट आपको कैसे करना है, देखिए बाल्टी में हमने निकाल लिए है, और इसको डालने का तरीका भी बताएंगे। और जब इसको लिक्विड को निकाले तो सब्जी का छिलका इसमें नहीं आना चाहिए, गल जाता है 1 महीना में, और जो भी रहता है उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए हमारा फर्टिलाइजर, इसमें और भी पानी हम मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मॉर्निंग में हम डाल रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हम इसमें फर्टिलाइजर, जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, देने के पहले हमने क्या किया है कि मॉर्निंग में पानी आधा घंटा पहले हमने इसमें डाल चुके हैं सारे प्लांट में। तो पानी पहले डालने से मतलब ये होता है कि हमारा जो गमला की मिट्टी है उसमें नमी आ जाता है। तो पहले देखिए हमने पानी डाले, तो पानी अभी भी कुछ गमला से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। तो पहले बार जैसे हम डाल रहा हूँ फर्टिलाइजर को, तो बाहर आ जाता है, और उसके बाद पहले अगर मिट्टी में हम पानी, गमला के मिट्टी में पानी डाल दे रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है ये थोड़ा सा देना पड़ता है। थोड़ा सा देने से ये होता है कि हमारा फर्टिलाइजर पूरा नीचे नहीं आ पाता है। और पहले राउंड में भी हम इसमें फर्टिलाइजर में अगर पानी, आधा पानी मिक्स करके दे रहा हूँ, तो तब भी हमारा फर्टिलाइजर नीचे आ जा रहा है, क्योंकि मिट्टी सूखा हुआ है। तो पहले इसमें हम देते पानी आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले पानी, जिस दिन हमको फर्टिलाइजर देना है 1 महीना बाद, तो पहले हम पानी दे के आधा घंटा मिट्टी को नरम कर देते। उसके बाद थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा हमने दिए हैं, हमारा समझिए इतना फर्टिलाइजर हमारा नीचे तक नहीं जाएगा, वो हमारा सारे प्लांट में ही रहेगा दोस्तों। तो इसी हिसाब से अब ये फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें, और जब भी इस्तेमाल करें तो मॉर्निंग में करें, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर देने के पहले आपको करना ये चीज़ है कि आप ज़रूर इसमें थोड़ा सा पहले आप गमला के मिट्टी को पानी पूरा दे दिए, आपको जितना पानी देना है उतना पानी आप पूरा दे दिए। उसके बाद आप आधा घंटा बाद फर्टिलाइजर को दिए, तो आपका फर्टिलाइजर बेकार नहीं जाएगा, सारे फर्टिलाइजर गमला के मिट्टी के अंदर ही रहेगा। तो दोस्तों, घर पे पड़ा हुआ जो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट में आप इस तरह वेस्ट दीजिए कि वो आसानी से आपका पानी में सड़ जाए। ज़्यादातर ये केला के छिलका, पपीता के छिलका, फल के छिलका से ज़्यादा बढ़िया बनता है। और बाकी आप सब्जी के किचन वेस्ट जो होता है, जो चीज़ आपका आसानी से इसमें सड़ जाए, वो चीज़ आपको डालना है।
और एक महीना में 15 दिन में भी तैयार हो जाता है, लेकिन एक महीना में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद वो जो आप जिसे बाल्टी में या कोई बड़ा सा डिब्बा में आप रखे हैं जिसमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लिक्विड वाला, तो उसमें आपको ऊपर ऊपर खाली पानी पानी लाना है। और पानी पानी लाने के बाद आपको उस जितना आपका नीचे आपका सेज बचेगा छिलका वगैरह उसमें फिर से पानी दीजिए और फिर से कुछ ताज़ा छिलका दे दीजिए, तो आपका समझिए फर्टिलाइज़र फिर एक महीने बाद फिर तैयार हो जाएगा। अब देखिए गर्मी की वजह से हमारा फर्टिलाइज़र कुछ इससे मतलब प्लांट में हरा भरा है, और गर्मी में जानते हैं गर्मी इतना धूप इतना तेज़ होता है और टेरिस पे है तो इसमें प्लांट में कुछ असर तो पड़ता ही है। और जब भी आपको इस प्लांट को आपको फर्टिलाइज़र देना है तो ज़्यादातर मॉर्निंग में देने से अच्छा रहता है। मॉर्निंग में क्या होता है कि मौसम मतलब ठंडक रहता है, और शाम को भी हम अपना टेरिस पे अगर कोई नीचे प्लांट रखे तो प्लांट समझिए वो टेरिस हमारा गर्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें तो उस मॉर्निंग में करें अच्छा रहता है। मॉर्निंग में देने से मौसम कुछ ठंडक तो रहता है चाहे जितना गर्मी है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र अब आसानी से आप घर पे आराम से बना सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा अगर 2 मग्गा वोएसडी कंपोस्ट अगर डाल देंगे तो फर्टिलाइज़र के बाद ही कुछ और हो जाता है। तो देखिए हमारा शिमला मिर्च का प्लांट है, इसमें भी हम थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पानी मिक्स नहीं किया, पानी हम पहले ऑलरेडी गमला में दे रखे हैं आधा घंटा पहले, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। तो ये समझिए हमारा जितना भी ग्रो बैग है या जितना भी है बोरा के में इसमें है सारे हमारा प्लांट में ही रह जाएगा, नीचे नहीं नीचे तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र अब आसानी से अब घर पे बनाए, इसमें टमाटर के दुए का पका हुआ टमाटर भी आप डाल सकते हैं। जितना भी फल इसमें देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फल के ऐसा चीज़ होता है कि फल इसमें हमेशा आपका फल से ज़्यादा पौष्टिक मिलता है। तो दोस्तों ठीक है, इस तरह आप घर पे आसानी से बनाए अपना फर्टिलाइज़र और इसको इस्तेमाल करें, और बहुत बेहतरीन काम करता है प्लांट के लिए। कोई भी फ्रूट का प्लांट है या किसी भी प्लांट में आप आसानी से डाल सकते हैं, ये प्लांट आपका बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। हमने हफ्ता में बताते हैं हर वीडियो में हफ्ता में एक बार इसमें सरसों का खली जो है भिगा के 2-3 दिन भिगा के सड़ा के हम वो भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका करने से आपका प्लांट हमेशा ग्रो जाएगा, और कोई फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, सिर्फ सरसों का खली देते हैं हफ्ता में एक बार, और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम हमारा जो उसमें किसिन बेस्ट है जो लिक्विड ऐसे छेद करके हम रखे उसमें जो निकलता है वो भी हम प्लांट में दे देते हैं, तो इसमें प्लांट हमारा हमेशा हरा भरा रहता है। जितना भी फ्रूट का प्लांट है या सर किसी टमाटर का प्लांट है इसमें जल्दी फल और फूल आ जाता है। तो दोस्तों ये आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, और ये 15 दिन में लगभग तैयार हो जाता है, लेकिन एक महीना में ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो एक महीना आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए छोड़ दे, आपका आरा शासन बन जाएगा। पुराना जो किसी आपका फल के वो बचा है उसमें भी पानी दे के आप कुछ फल के छिलका, केला वाला के छिलका, पपीता के छिलका कुछ डाल दे तो फिर बन जाता है, फिर एक महीना बाद आपका फिर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए ये हमारा टमाटर का प्लांट है, अभी ये 15-20 दिन हुआ है, तो इसमें भी हमने सारे प्लांट में हम ये फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, और सारे प्लांट के इस्तेमाल करने से कोई भी प्लांट में आप दे सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और प्लांट ये नहीं कि आपका मैंगो के प्लांट में नहीं दे सकते, सारे प्लांट